चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो सैमसंग का जो डिवाइस केयर होता है, या बोल सकते हैं बैटरी एंड डिवाइस केयर होता है, उसके अंदर एक कमाल का हिडन फीचर है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसको आप कहाँ यूज करेंगे, कैसे मिलेगा, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही हम समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बैटरी एंड डिवाइस केयर। आपको नहीं पता है इसको प्रॉपर कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उनका लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। आज मैं इसके अंदर के कमाल के नए फीचर के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आफ्टर 1UI 4.0 अपडेट होने के बाद आया। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको एक इमोजेस मिल रहा है जो कि बता रहा है गुड। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है डिवाइस प्रोटेक्शन का, जो कि कह रहा है स्कैन नीडेड है, मतलब कि आपके मोबाइल को यहाँ पर स्कैन करना चाहिए। उससे होगा क्या, कोई भी अगर आपने कोई भी कोई चीज डाउनलोड करी है या फिर कोई वेबसाइट को आपने एक्सेस कराया है, तो उसका कोई भी अगर मालवेयर या मेलवेयर जो भी आपके पास यहाँ पर मोबाइल में आ नहीं गया और कोई वायरस नहीं आ गया, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए काम करेगा। तो इसको एक्टिवेट करना है आपको डिवाइस प्रोटेक्शन को जाके, और उसको पहले तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद उसको बाद में अगर आप देखेंगे वो आपको खुद बताएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने लास्ट स्कैन करा था 12 मार्च को, जो कि वो बता रहा है। तो ऑटोमेटिक वो 7-8 दिन बाद आपको बता देगा कि आपको यहाँ पर अपने मोबाइल को वीकली स्कैन करना चाहिए, जिससे भी फालतू के वायरस आपके मोबाइल पे हार्म ना करे और आपका मोबाइल वहां पर स्लो काम ना करे। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ये पावर्ड बाय मैक, जो मैक की का वायरस एंटीवायरस आता है उसके थ्रू ये काम करता है। आपको सिंपली इस पर करना क्या है, सिंपल आपको स्कैन नाउ पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद ये सारे डिवाइस के जितने भी आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी एप्स डाउनलोड है, सारे एप्स को यहाँ पर स्कैनिंग कर लेगा। किसी ऐप में उसको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आपको बोल देगा इसको आप यहाँ पर अनइंस्टॉल कर लीजिए। तो बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है, बहुत कम लोग जानते हैं। आपको करना क्या हुआ, डिवाइस प्रोटेक्शन को ऑन करके रखना है, उसके अलावा आप कभी भी हफ्ते बाद देखेंगे या फिर अगर आपके पास नहीं है डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन, तो आपको मैन्युअली जाके उसको स्कैन नीड कर लेना है, हो सकता है स्कैनिंग करते रहना वीकली, उससे आपके मोबाइल की जो कि सिक्योरिटी बनी रहेगी। ये वाला फीचर तो मुझे बहुत शानदार लगा। तो ये आपके मोबाइल की एप्स के हिसाब से वर्किंग करते हैं, अगर आपके मोबाइल में ज्यादा एप्स है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, तो इसको होने देते। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये 100% हो चुका है, और इसके बाद आपको एक पॉकअप आ जाएगा कि आपके मोबाइल में नो थ्रेड डिटेक्टेड, आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको बता देगा नो थ्रेड डिटेक्टेड। और यहाँ पर आ गया है लास्ट स्कैन। अगर आप यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे मैकफी एंड सैमसंग कीप योर फोन सेफ बाय सर्चिंग फॉर मेलवेयर एंड सस्पिशियस एक्टिविटी, तो ये इसलिए काम करता है। तो आपको डिवाइस प्रोटेक्शन को जाके यहाँ पर ऑन करके रख लेना है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो आपको इसको ऑन करना है, और उसको बाद टाइम टू टाइम आपको इसको स्कैन करते जाना है जिससे आपके मोबाइल में कोई भी थ्रेड ना आए। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी तो वो डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।